Hi guys, this is Vishakha. I hope you all are doing well. So if you're watching me for the very first time, I'll be really happy if you take a moment and subscribe to my channel. Hit the bell icon for further notification. So this video mein main leke aayi hu aap logo ke liye ki how to pack for Manali. So agar aap Manali ja rahe ho, Manali jaane ka plan kar rahe ho and aap confused ho ki aapko kya kya cheeze le jani chahiye. So in April month kaisa temperature hota hai and everything, maine sara research kara hai and accordingly I have packed it. So ये आपके लिए मैंने आसान कर दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए. सो फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, कैसे स्किन केयर ले जाने चाहिए, बिकॉज वहाँ का वेदर बहुत ठंडा है. तो डेफिनेटली अच्छा स्किन केयर बहुत ज़रूरी है. सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के मैंने इस वीडियो को प्रिपेयर किया है फॉर यू गाइज, जिससे कि आपको ट्रबल ना हो. सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड. एंड वन मोर थिंग गाइज, आपको अब फ्रीक्वेंटली मनाली व्लॉग्स मिलेंगे. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मनाली में कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए, कैसे ट्रैवल करना चाहिए, व्हाट ऑल प्लेसेस आर देयर नियर मनाली, सो ये सब कुछ मैं कवर करूँगी आगे अपकमिंग व्लॉग्स में. सो डोंट मिस आउट. अगर आपने ये देखना स्टार्ट कर दिया है देन प्लीज़ वॉच द होल सीरीज विच आई एम गोना पोस्ट इट. सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वीडियो. यहाँ मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे ले जाने वाले कपड़े निकाल लिए हैं टू पैक इन माय बैग. एंड मैंने कुछ दो तीन दिन पहले अपनी पैकिंग लिस्ट बना ली थी जिसमें मैंने जॉट डाउन कर लिया था कि क्या क्या मुझे ले जाना है जिससे कि मैं भूल ना जाऊँ, बिकॉज आई हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट. इन मोमेंट पे कुछ ना कुछ तो भूल ही जाती हूँ, इसलिए आई स्टार्टेड दिस हैबिट कि जॉट डाउन करो क्या क्या ले जाना है, क्या क्या ज़रूरत है और टिक करते जाओ. एंड दैट्स द बेस्ट वे, आप कुछ नहीं भूलोगे एंड दिस इज़ वॉट आई फॉलो. Now let's start putting things in the bag. So सबसे पहले मैंने ये मेरा पफर जैकेट निकाल के रखा है बिकॉज मनाली में कुछ एक दो जगह ऐसी भी हैं मनाली के पास में जहाँ पे टेम्परेचर कुछ माइनस में भी चला जाता है. सो उन जगहों के लिए मैंने एक पफर जैकेट और एक ये लेदर जैकेट ऐड की है. एंड डेफिनेटली आपको लेयरिंग तो करनी ही पड़ेगी, तो इसके नीचे आप एक वॉर्म पुलओवर पहन सकते हो और उसके नीचे आप एक थर्मल पहन सकते हो जिससे कि आप प्रॉपर अच्छा वॉर्म रहोगे. सो वो भी मैंने रखा है, आप ये आगे आपको दिखाई देगा. देन आई केप्ट एक वेलवेट का ड्रेस जो कि काफ़ी वार्म होगा, सो इसके अंदर भी हम लेयरिंग कर सकते हैं आराम से एंड स्टाइल क्वेश्चन भी ऐड हो जाएगा. एंड अगर आपको पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी है तो उसके लिए एक ड्रेस तो ज़रूरी होती है. सो फॉर दैट आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर ड्रेस. देन एक मैंने जैकेट ऐड किया है जो कि थोड़ा मीडियम वार्म है, सो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, टेम्परेचर अराउंड 20 है, वहाँ पे एक हल्की सी पतली सी जैकेट चाहिए होती है. फॉर दैट आई हैव केप्ट दिस वन. एंड देन आई स्टार्टेड प्लेसिंग दीज पुलओवर्स जो कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा वार्म नहीं है, सिर्फ उनको पहन के काम चल जाएगा अगर गर्मी है तो. एंड बिकॉज 25 डिग्री है तो दिन में ऑब्वियसली वार्म होगा, सो सिर्फ उसको पहन के काम चल जाएगा. एंड देन इवनिंग के टाइम पे टेम्परेचर ड्रॉप होता है, सो यू कैन लेयर इट अप विद अ जैकेट. सो मैंने इसीलिए ऐसा जैकेट भी रख लिया है. आई एम गोइंग फॉर 8 डेज, इसलिए मैंने इतने सारे पुलओवर्स रखे हैं. आप नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो इसको. देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आइटम इज दिस स्टोल जो कि एक वार्म स्टोल है, इसको भी ऐड करना काफ़ी ज़रूरी है. अगर आप रात में ठंड लग रही है आपको देन यू कैन डेफिनेटली लेयर इट अप. देन फॉर माई नाइट सूट अगेन मैंने एक वार्म टॉप रखा है फॉर स्लीपिंग बिकॉज आई रियली फील कोल्ड, सो डोंट माइंड. एंड देन मैंने ये दो स्वेट शर्ट्स रखे हैं, एक जिप वाला है एंड देन दिस इज़ अ क्लोज्ड वन. देन एक मैंने डेनिम जैकेट रखा है एंड देन आफ्टर दैट मैंने दो डेनिम्स रखी हैं बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स ज़्यादा डेनिम्स ले जानी चाहिए. सो वन ब्लैक एंड वन ब्लू, दैट्स इट आई एम कैरिंग. ना बचे हुए सेक्शन में मैंने अपने नाइट सूट, टी शर्ट्स, टॉपर्स ये सब अरेंज करें और कुछ इस तरीके से करें कि काफ़ी सारे आ गए हैं एंड रोल रोल करके बेसिकली. एंड देन मैंने इधर अपनी ज्वेलरी भी रख ली है थोड़ी बहुत. एंड मेडिसिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर गोइंग आउट, सो डेफिनेटली वो भी आप कैरी करा करो. एंड इनर वेयर्स एंड सम सैनिटरी थिंग्स आई हैव केप्ट जो कि ज़रूरी होती हैं टू कैरी अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो. सो इस पाउच में मैंने रख ली है अपनी सारी बेदिंग नेसेसिटीज़ लाइक फेस वॉश, लूफा, शैम्पू, कंडीशनर. सो काफ़ी दिनों के लिए जा रही हूँ इसलिए सब कुछ कैरी कर रही हूँ. देन उसके बाद मैंने सेट किया है अपना स्किन केयर पाउच विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक हम ठंडी जगह जा रहे हैं तो स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हाइड्रेशन देना अपनी स्किन को काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज आई एम अ ड्राई स्किन टाइप, सो मेरी स्किन तो काफ़ी ड्राई हो जाती है. सो आई हैव केप्ट एवरी थिंग हेयर. जो भी मेरा स्किन केयर रिचुअल होता है वो मैं फॉलो करने के हिसाब से जो भी मुझे चीज़ें चाहिए आई हैव केप्ट एवरी थिंग.
नेक्स्ट मैंने पैक किए हैं कुछ हल्के फुल्के मेकअप प्रोडक्ट्स लाइक काजल, मस्कारा, लाइनर, आईब्रो पेंसिल, सम लिपस्टिक्स, सम चीक टिंट, बेसिक चीज़ें रखी हैं मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं. सो दिस इज इट. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.